तो मैं तो खाए पिए नहीं थे तो आवाज नहीं कर पाया ठीक से। अभी तो सब काफी कराए हैं, कईयों दो दिन आवाज में जी चुरा दी। सुबह में कह चुका हूँ बहुत नाम में गुरु नाम परमात्मा का ही नाम है, इसलिए वो खाम नहीं लगी है। कहता है सदगुरु महाराज जी की जय, एक को तो देवता के नाम नहीं, एक को तो भगवान के नाम नहीं। जैसे पीपल के वृक्ष के जड़ होने पर सारा पत्ता पानी अंश जाता, उसी तरह से संत महापुरुष के जयकार में सभी देवी भी खुश हो जाते हैं। किसी का देखा बस पानी नहीं, इसलिए मेरा हृदय खोल के देखा लगाइए बोलिए प्रेम से जय। इतना सुनने पर भी की पीछे से कसर रखिए, एक बार कसर भी ससर जाए इसे भी पर और लगाइए बोलिए प्रेम से।
साधु भजन को खेला देखा देता हूँ बाबा, तो साधु भजन का भी थोड़ा हमको भी देखा दो, जब लोग तो देखते करते हो हमको भी थोड़ा सा देखा दो। मदानी के मन को मिला कि लोगों को देखाता हूँ कुछ मिलता है, बाबा जी पास कुछ है नहीं, कुछ तो देगा नहीं, मननी हमारा समय बर्बाद होगा अगर नहीं देखा मैं, कहीं अंदर अंदर कुछ कर दे तो सामने वो गड़बड़ी पैदा हो जाए, वो ठीक नहीं। सब जगह तो मेरे करता है, एक जगह नहीं है सही, तो थोड़ा दिल न जा करके दिखा दिया। अरे बड़ा बढ़िया खिला देते हैं, हाँ बाबा सिखाया हूँ, अब बैठ जाओ। तो बैठ तो गया, कहा आंख बंद करो। मदारी सोचता है कि लगता है बाबा की लोग ही है, बढ़िया खेला देखा दिया हूँ, कहता आंख बंद करो, हम आंख बंद करें हमारा बंद हमने तो ठहर जाए, वो क्या करेंगे, आंख बंदे नहीं करे। साधु मैं समझ गया कि डर रहा है, काहे डरते हो, मैंने एक भागे आंख बंद करो तैयो नहीं बंद करे। तो फिर मन में एक बात आ गई, अच्छा खोल बात गाल में बांध के रखा था ना, खोल करके हाथ में दूरी पकड़ लिया। हम मन में सोचा कि दूरी पकड़े रहे तो नहीं भाग पाने दे कर थोड़ी देर के बाद साधु बाने का खोलो आंख, आंख जो खोलता है साधु अस्वानंद बैठे हुए हैं, हाथ में डोरी भी है लेकिन बंदर भालू दोनों गायब, दोनों गायब। ये सोचता है जो हो गया, जो हम सोच रहा था वही हो गया, लेकिन बाबा जी सामने में है तो कैसे कहें अब ले लिया, ये कह भी नहीं सकते हैं, अब क्या करें। ये सोचिए रहा है तब तक क्या देखता है कि शरीर पर तो फाटा हुआ चिथरा, गरीब तो थे किसी तरह जीविका चलाते थे, शरीर पर फाटा हुआ चिथरा, अपने राशि पोषक आ गई, सुंदर पुष्टि घंस आ गई। फिर देखते हैं गालू जीविका हुआ का गरीब आदमी, देखते हैं गालू में दम मामला हो गया, का कमाल हो गया, इतना सुंदर पोषा सुंदर शरीर, लगता है बबे कृपा हो गई। इतना सोचिए रहा था, उधर से आ गया 50 आदमी स्वाद मिल करके हाथी ले करके, कहता हो राजा साहब यहाँ बैठे हैं, हम उधर खोल रहे थे कि मेरे राज इधर चले गए हैं, हम गद्दी खाली है, चलिए चलिए गद्दी खाली है। वो सोचता है भाई हम तेरे मना ली भिखमंगा मना ली, हमको कहा राजा साहब राजा का पोशाक खोलिए गया है, चेहरा भी लिए गया राजकुमार वाला, कायम कहें कम नहीं है, योग को मिला दिया घने का दशा है। अब बैठा लिया हाथी पर, ले गया राजगंज पर बैठा दिया, राजा बना गया। अब बताइए जहाँ दाना मांगने के मोहताज था, अगर गद्दी पर बैठ राजा बन गया तो खुशी होगी कि नहीं, प्रसन्नता होगी कि नहीं, बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता तो हुई, लेकिन लेकिन जुट गया, लेकिन क्या जुट गया, बाहर भी लाभ तो दो अधिकारी लोभ बढ़ता है ना, लाभ होता तो लोभ बढ़ जाता है। ये सुंदरता महाराज का अपनी वाणी में कि जो 10 20 50 भय सत होय हजार तो लाख मन कोटि अरब असंख्य धरापति होने की चाह जगी, पृथ्वी पताल हूँ राज करो
कृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी और सुंदर एक संतोष बिना सत तेरी को भूख कभी नहीं मिलेगी। जैसे आग धड़क रही है और घी डालने मुद्दे दिए और उसको पानी डाल दें तो हो सकती है। संतों उसी तरह से संसार के पराप जैसे बढ़ते जाते हैं संसार की कृष्णा घटती और कृष्णा बढ़ती जाती है। अगर कहीं संत के ज्ञान फुहार लगता है तब थोड़ा दिन हो जाता है अली बात समझाने अपना शरीर नहीं होगी बात को छोड़ो तो थोड़ा शुरू हो जाता है। हमने तो कहा रहा था कहीं मदारी कहीं बन गया राजा पड़ोसी राजा को चढ़ाई कर दिया जीत लिया और मन भर गया दूसरे को तीसरे को चढ़ाई किया जीत लिया और मन भर गया क्रम क्रम से दस बारह राजा को जीत लिया और मन भर गया एक के बच गया था सम्राट उस पर भी चढ़ाई कर दिया सम्राट ने हरा दिया लगी ठेस दोबारा चढ़ाई किया हरा दिया और ठेस लगी तिवारा हरा दिया तब तो जितना दुख था एक मदारी में उससे बसी दुखी हो गया कि तीन ही बार हरा दिया। तब तक में क्या होता है याद आ गई उस बाबा को अरे मैं तो मदारी था ये जो बाबा कृपा हो गई इतना बन गया अगर उसी बाबा के चरण में चला जाए अगर थोड़ी कृपा और कर दे कहीं तब तो सम्राट बन जाएंगे थोड़ी कृपा हो जाए ये सोच करके आ गया बाबा के चरणों में प्रणाम किया बाबा को पहचान लिया वही मदारी बना वही आ गया पूछा कहो राजन क्या समाचार है कहता बाबा आपकी कृपा से मैं धन धन हो गया लेकिन बाबा थोड़ा सा कसर रह गया। बाबा कहते अरे एक तरफ कह रहे हो कि आपकी कृपा से धन धन हो गया पिछले तक कसर नहीं किया कहा थोड़ा सा क्या कसर रह गया कहा बाबा एक सम्राट ने तीन बार हरा दिया थोड़ी सी कृपा और हो जाए जो सम्राट बन जाए तब किसी बात की दिक्कत नहीं रहेगी और ऐसी बात है कहा सरकार का बैठ जाओ तुरंत बैठ गया और विनम पहले में सब कभी तुरंत बैठ गया कहा आंख बंद करो तुरंत आंख बंद कर लेगा सम्राट बन गया थोड़ी देर के बाद का खोलो आंख अब जैसे आंख खुलता है कि सामने वही बंदर और वही भालू शरीर पर वही चेता यानी मदारी की मदारी तो कहता है बाबा श्री की बाबा है क्या करती है हमको मदारी बना दिए तो बाबा ने कहा अरे तुम तो मदारी न था तुमने हमको थोड़े साल खेला दिखाया तुमने हमको थोड़े सा खेला दिखाया लेकिन मैंने तुमको कितना खेला दिखा दिया तुमको मैंने कितना खेला दिखा दिया कि महाराज राजा बना दिया जिनकी जीवन गरीबी में नहीं पली है उनको अनुभव नहीं है कि गरीबी जीवन कितना कष्टकारक होता है लेकिन तुमको अनुभव है गरीबी में कितना कष्टकारक है तुमको मेरा राजा बना दिया तो तुमको चाहिए न कि गरीबों को सहयोग करें तुमको अक्षम कर दे दिया कि हजारों अनहीन को अन्न दिला सकता था हजारों वस्त्रहीन को वस्त्र बना सकता था हजारों घरहीन को घर बना सकता था हजारों विद्याहीन को विद्या दान करा सकता था और हजारों अध्यात्महीन को सत्यमंदिर अध्यात्मदान से ही था लाभ दे सकता था तो पूर्ण करना चाहिए उल्टे तुम भगवान ने उस ईश्वर पाशा ईश्वर का उसको मार उसको हरा इसी तुमको बनाया तुमने मेरी कृपा में लाभ मार दिया इसलिए उसको भव अंतहन के कहा मदान के मदान ये रखो एक कहानी कोई भी कहानी कही जाती है ना उसके सार को देखा नहीं इसके अनुसार तत्व क्या है अभी पाठ में सुने हैं क्या बहुत कर्म करुणा लगती ही 84 लाख योनियों भटकते भटकते परमात्मा ने कृपा करके यह मानव का
शरीर दिए हैं, ये मानव का शरीर ही है, राजा का शरीर। और शरीर है प्रजा का शरीर, एक गाय को भैंस में कुत्ता हाथी में क्षमता नहीं है कि बाबा लोग आए हैं सत्संग में चले, उनके ज्ञान को सुने, मानवता को धारण करें, दानवता को निकालें। किसी शरीर में नहीं है, एक मात्र मानव शरीर में है, इसी मानव शरीर के लिए राजा का शरीर कहा है। तो ऐसे अनमोल ये मानव का शरीर, ये राजा का शरीर पा करके भी अगर हम उनकी कृपा में नाथ मान लेंगे, केवल संसार के विष्णु में समाप्त कर देंगे अनमोल जीवन को, तो परमात्मा ने नाम पूछ होकर के उन्हें है ये मानव का शरीर छीन लेंगे, कुत्ता भी गधा मुष्या आदि निज शरीर में भेज देंगे, जहाँ के तहाँ तुम भटकते हो, भटकते हो। तो होगा कैसे? अभी सुन रहे थे ना कि विषय में मत खाओ, विषय पांच है, कुछ तो खेवे करेंगे, कुछ तो पीवे करेंगे, कुछ तो पहनवे करेंगे, झगड़ियों तो रहवे करेंगे, तो कुछ ना कुछ विषय प्राप्त करना ही पड़ेगा, लेकिन उसी में ग्रस्त नहीं रह जाओ, कि वही सब कुछ है, संसार सहारा है, धन दौलत सहारा है, परिवार सहारा है, बेटा बेटी सहारा है, पद प्रतिष्ठा सहारा है, सर्वस्व नहीं है। जो सहारा को सहारा मान के चलता है एक दिन सर्वस्व पाता है, और जो सहारा को सर्वस्व मान लेता है उसे अपराध होता है, जो सहारा को सर्वस्व मान लेता है उसे पाप होता है, और जो सहारा को सहारा मान के चलेगा उसे पाप नहीं होगा, और जो सहारा को सहारा मान के चलेगा एक दिन सर्वस्व प्राप्त करेगा। वह क्षमता मात्र मानव शरीर में है, और शरीर में